Hello. Today we will learn a new lesson. Adjective. What? Adjective. 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 Vishesan. What is adjective? The word which qualify a noun or pronoun. A noun or pronoun. A noun or pronoun. Such as Rohan is a good boy, and second sentence, Rohan is good. Rohan is good. Here is a two sentence. Pehla, the word which qualifies a noun or pronoun is called adjective. Such as Rohan is a good boy. Rohan is good. Here is a two sentence. In the first sentence, we got that the adjective is before a noun, before the noun boa. In another sentence, we got that adjective is singularly, there is no any noun after that. हमारे यहाँ दो sentence हैं. तो पहला जानिए कि adjective जो है किसी noun या pronoun को qualify करता है. अगर हम यहाँ रोहन के जगह अभी भी लिखते ही इज गुड लिखते या फिर ही इज अ गुड बॉय लिख देते या ये तो काम आपका हो जाता. तो या तो यहाँ नाउन का यूज करेंगे या प्रोनाउन का यूज करेंगे. दोनों में से चाहे वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, अगर दोनों में से किसी एक को भी अगर वो क्वालिफाई कर रहा है तो वैसे जो वर्ड होते हैं, वैसे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वही एडजेक्टिव कहलाते हैं. तो पहले सेंटेंस में हमने देखा कि रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन अच्छा लड़का है. रोहन अच्छा लड़का है. रोहन अच्छा लड़का है. और दूसरे सेंटेंस में कि रोहन अच्छा है. रोहन कैसा है? रोहन अच्छा है. रोहन अच्छा है. तो यहाँ दो देख रहे हैं, दो बातें आ गई. पहले में देखा गया कि यह जो रोहन लड़का जो है कौन कैसा है, अच्छा है. तो ये जो है लड़का जो है यह नाउन है और यही जो है वह एडजेक्टिव है क्योंकि यह क्वालिफाई करे इस लड़के को. लेकिन इसमें अच्छा है कौन? अच्छा है रोहन. इसमें भी यह उसको क्वालिफाई कर रहा है लेकिन यह सब्जेक्ट है और यह एज एन ऑब्जेक्ट आया है. लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यह डायरेक्ट है सो क्वालिफाई कर रहा है सब्जेक्ट को. यह सब्जेक्ट है और यह डायरेक्ट इसको क्वालिफाई कर रहा है. मतलब कि एडजेक्टिव जो है इसको कहेंगे यूज ऑफ एडजेक्टिव. अब क्या है इसके दो यूज हैं. देयर आर टू यूज. दो यूज हैं. पहला फर्स्ट टू यूजेज दो यूज हैं. फर्स्ट एट्रीब्यूटिव यूज और सेकेंड वन है प्रेडिकेटिव यूज. तो एट्रीब्यूटिव यूज जो है इसमें क्या होता है कि एडजेक्टिव जो है किसी नाउन के पहले आकर उसको क्वालिफाई करता है और इसमें एडजेक्टिव जो है वह अकेले आता है. एग्जांपल के लिए अगर यहां देखे तो यह जो ये सेंटेंस है वह एट्रीब्यूटिव यूज में है. एट्रीब्यूटिव है और यह जो सेकेंड सेंटेंस है यह प्रेडिकेटिव है. यह जो क्या है वह प्रेडिकेटिव है. तो पहला यह सेंटेंस एट्रीब्यूटिव है और दूसरा यह जो सेंटेंस है वह प्रेडिकेटिव है.
तो जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आकर क्वालिफाई करे तो एट्रीब्यूटिव यूज, और अकेले आता है सेंटेंस के अंत में आता है लेकिन सेंटेंस में आता है लेकिन उसके पहले नाउन नहीं होता है तो वह जो है प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव का दो यूज करते हैं। नेक्स्ट जो थिंग है वह है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हम लोग इसी में पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये सभी एडजेक्टिव के ही भाग हैं जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन में और इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में भी पढ़ने के लिए मिलता है। तो अब क्या है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार, एडजेक्टिव के भेद, तो ये कितने हैं? ये 10 हैं, ये 10 हैं, 10। There are 10 kinds. There are 10 kinds. First, proper adjective. First, जो है सो proper adjective. Second one, demonstrative adjective. Demonstrative adjective. Third, distributive adjective. Distributive adjective. Fourth, emphatic adjective. Emphatic adjective. Fifth, adjective of number. Adjective of number. Adjective of number. इसका दूसरा भी नाम है किसका? Adjective of number का। Adjective of number को हम numerals भी कहते हैं, numeral adjective या numerals, numeral adjective. उसके बाद सिक्स आ जाता है adjective of quality, adjective of quality, इसका भी दूसरा नाम, और क्या कह लेंगे इसको, क्वालिटी से बना दिया जाता है qualitative, 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 adjective of quality और qualitative adjective. सेवन नंबर पर आता है adjective of क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी इसको? हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं किसको? सिक्स नंबर वाले को। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, तो ये नंबर कितने आ गए? सेवन। नंबर एट पर आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या आ गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नंबर नाइन हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और लास्ट वन जो बच जाता है एंड नंबर टेन पर आते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो इसको एक बार समझने की जरूरत है कि एडजेक्टिव के जो है 10 काइंड्स हो गए। पहला प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, चौथा इम्फेटिक एडजेक्टिव, पांचवा एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमेरल एडजेक्टिव,
6 adjective of quality or qualitative adjective, जिसको हम descriptive adjective भी कहते हैं. 7th हो जाएगा adjective of quantity or quantitative adjective. 8th है interrogative adjective. 9th है possessive adjective. और 10th exclamatory adjective. अब इस 10 को हर एक को अलग अलग पढ़ेंगे. अलग अलग इसके यूज है. अलग अलग तरह से यह नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि हम क्वालिफायर हैं. क्वालिफाई करने का काम है, उनका गुण बताने का काम है. तो अब जो है प्रॉपर एडजेक्टिव की थोड़ी सी चर्चा करते हैं. तो वैसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने हो, जो प्रॉपर नाउन से बने हो, उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे इंडिया टू इंडियन, बिहार टू बिहारी, अमेरिका टू अमेरिकन, उसी तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब वन बाय वन इसका स्टडी करना होता है. और जब इसको जान लेंगे तो हमें, जब यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ेंगे तो इसी में हमें पढ़ना होता है डिग्री ऑफ कंपेरिजन. क्योंकि कंपेरिजन किसकी होती है? क्वालिटी की. कंपेरिजन क्वालिटी की होती है. तो यह इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे. थैंक यू.